तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द माइनक्राफ्ट। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ माइनक्राफ्ट की ओपी टिकटॉक हैक्स वीडियो में। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक ऐसा माइनक्राफ्ट का ओपी टिकटॉक ग्लिच लेके आया हूँ जिसे आप अपने माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हो। और ढेर सारे आप लोग डायमंड ब्लॉक, जी हाँ डायमंड ब्लॉक को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और मैं आपको जो टेक्निक बताऊंगा आपको बस इसी टेक्निक को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको एक नेदर पोर्टल बनाना है इस तरह से, उसके बाद आपको इस तरह से ऊपर तक बनाना है। आप लोगों को इसी तरह से इसे बिल्ड करना होगा। तो आपको एक नेदर पोर्टल बना लेना है। आप लोग देख सकते हो बन चुका है हमारा नेदर पोर्टल। बनने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इधर जाना है। यहाँ पे आपको एक एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे इस तरह से आपको लगाने हैं ब्लॉक। यहाँ पे रेड डस्ट डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिपीटर लेना है और रिपीटर को आपको इस तरफ से कनेक्शन करनी है। तो आपको इस तरह से पूरा कनेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्लॉक, यहाँ पे रेड डस्ट आपको इस तरह से लगानी है और ये लीवर आपको ऑफ करना है। अब आपको इस तरफ आना है, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक रखना है, उसके बाद यहाँ पे रेड डस्ट डालनी है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे अब आपको एक ब्लॉक छोड़ के रिपीटर लगाना है और यहाँ पे इस तरह से दो ब्लॉक आगे आइए, यहाँ पे रिपीटर, यहाँ पे रिपीटर और यहाँ पे रिपीटर लगाना है। दोनों को एक एक पे डिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रेड डस्ट लेनी है, 1 2 रेड डस्ट इस तरह से डाल देनी है। अब आपको यहाँ पे एक इस तरह से ऑब्जर्वर ले लीजिएगा, दूसरा ऑब्जर्वर आपको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। तो आपको ऑब्जर्वर इस तरह से कनेक्ट कर देने हैं। तो इसके बाद अब आपको यहाँ पे जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको एक पिस्टन लेनी है। पिस्टन को आपको इस ब्लॉक पर इस तरह से लगनी है, उसके बाद एक ब्लॉक आपको यहाँ पर लगा देना है इस तरह से। पूरा क्लोज होने के बाद बाहर आ जाइए, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे दो ब्लॉक इस तरह से डिक करने, डिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक चेस लेनी है, साथ ही आपको एक हॉपर लेना है। चेस आपको यहाँ पे लगा देनी है और हॉपर को जो है चेस के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से होने के बाद आपको ये जो आपको देख रहा है यहाँ पे, इस वाले ऑब्जर्वर के अंदर आपको डालने फ्लिश एंड स्टील डाल दीजिएगा, 4 या फिर पूरा इसे डाल सकते हो। उसके बाद इस वाले के अंदर आपको वाटर डालना है। आप इस तरह से पूरे में डाल दीजिए। डालने के बाद अब आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद एक डायमंड का आपको ब्लॉक लेना है, उसे आपको यहाँ पर लगाना है। अब आपको ये लीवर एक्टिव करना है। लीवर एक्टिव करते ही ये पोर्टल जो होगा वो इस तरह से काम करेगा, आप लोग देख सकते हो, और ग्लिच भी करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे जितने भी आपके डायमंड्स के ओर होंगे वो यहाँ पे डुप्लीकेट होंगे और चेस के अंदर वो सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने वर्ल्ड में एक फुल एंड फाइनल डायमंड ब्लॉक जो है नेदर पोर्टल बना सकते हो और ढेर सारे डायमंड आप लोग डूब कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।